यह घटना तब की है जब महारथी कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है और महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन का युद्ध जारी रहता है। तब कर्ण उग्र होकर एक अत्यंत भयानक वेगशाली बाण अर्जुन पर छोड़ देते हैं और वह अर्जुन की छाती में जा घुसता है और अर्जुन अपने रथ पर थर थर काँपने लगते हैं और मूर्छित से हो जाते हैं। ऐसा हुआ देख पूरे स्वर्ग लोक में भी हाहाकार मच जाता है। यह घटना किस प्रकार होती है यह जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। अंगराज कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडु पुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल कर दिया। तत्पश्चात कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जो जातवेद अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा गिराई और सब और अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायवास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब शूत पुत्र ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। राजन उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भारत कंकड़ों की वर्षा करते हुए प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूत पुत्र उस बाण का संधान किया उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दिनचित हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्र भाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बांबी में घुस जाता है उसी प्रकार वह उनके वक्ष स्थल में समा गया। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ हाथ उनका ढीला पड़ गया और वे शत्रु मर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा परंतु महाबलवान होने पर भी वह देववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंचलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर जिसका पहिया फंसा हुआ था कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी की साकल के सिंह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठ भाग में सुवर्ण मुक्ता मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वज का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के भी योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उन तीखे सुरूप से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीपयमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश अभिमान समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्ध स्थल में उस ध्वज को काटकर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी
सैनिकों ने सुत पुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकश से एक अंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्म स्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस के लिए लिप्त होने वाला, अग्नि तथा सूर्य से तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बंधे हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह बाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी, जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया देखकर समस्त सराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट किया हो, यज्ञ किया हो और हितेशी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा वह बाण मुझे विजय दिलाने वाला है। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा देगा। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आत्तई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रुओं को बिंद डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंजलिक द्वारा कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह है वह मस्तक सेना के अग्र भाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तत्पश्चात सदा सुख भोगने के योग्य उदार कर्म कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।